हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जा रहा हूँ सम नंबर 9 पे। फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ परनेल स्पोर्ट्स क्लब पुणे एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अपने को क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट किसका दिया है? 31 मार्च 2019 का दिया है, तो 18-19 अपना करंट ईयर हो जाएगा, 19-20 अपना नेक्स्ट ईयर हो जाएगा और 17-18 अपना लास्ट ईयर हो जाएगा। हमेशा ये डेट से पहले पता कर लेने का कि अपना करंट ईयर क्या है, नेक्स्ट ईयर क्या है और लास्ट ईयर क्या है। तो जो अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट का ईयर एंडिंग होता है 31 मार्च 2019, तो शुरू कब होता है? 1 अप्रैल 2018। तो 18-19 अपना क्या हो जाएगा? करंट ईयर हो जाएगा। 19-20 अपना नेक्स्ट ईयर हो जाएगा और 17-18 अपना लास्ट ईयर हो जाएगा। ओके, तो इससे अपने को सब में आसान पड़ेगा। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा इग्नोर होता है, तो उसको छोड़ दो। वो लास्ट ईयर का होता है, ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट में दिया होता है, वहाँ जाता है, तो ओल्ड बैलेंस शीट अपन बनाते नहीं है, तो वो इग्नोर हो जाएगा। अब 16-17 अपना लास्ट ईयर है, इसको हमेशा कंपेयर करना होता है। 17-18 इनकम में जाएगा क्योंकि ले अपना नहीं, 18-19 अपना करंट ईयर है ना, तो 18-19, तो 16-17 लास्ट टू लास्ट ईयर है, 17-18 लास्ट ईयर है और 18-19 अपना करंट ईयर है। तो जो 70,000 दिख रहा है तुमको वो इनकम में जाएगा, और जो 17-18 और 16-17 है उसको अपन कंपेयर करेंगे, नीचे एडजस्टमेंट में कुछ दिया होगा तो उससे। तो 70,000 इनकम में जाएगा क्योंकि वो अपना करंट ईयर है, और 17-18 जो साल दिया है वो लास्ट ईयर है, और 16-17 लास्ट टू लास्ट ईयर है। लास्ट टू लास्ट ईयर और लास्ट ईयर सबका सेम इफेक्ट होता है, लेस ही होता है, जो भी डिफरेंस आएगा उसको असेट में डालना होगा। वरना डोनेशन इनकम, एंट्रेंस फी इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू बोला है तो इनकम में जाएगा, टूर्नामेंट रिसिप्ट इनकम। अब बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ रीपेड बोला है, अब नीचे अपने को बोला होगा कुछ तो अपन उसके साथ कंपेयर करेंगे। रीपेड मतलब पूरा का पूरा मिल गया तो इग्नोर हो जाएगा। सैलरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंस, म्यूनसिपल टैक्सेस एक्सपेंस, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब ओल्ड बैलेंस शीट में परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया होगा तो उसमें ये जाके ऐड करना होगा, ये एडिशनल हो जाएगा उसका परचेज, तो ये ऐड होएगा स्पोर्ट्स मटेरियल में असेट में जाकर। जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस, बिलड एक्सपेंस एक्सपेंस, रिपेयर्स एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस एक्सपेंस, और ये बैलेंस कैरिड डाउन दोनों जो दिया हुआ है वो असेट में जाएगा। अब मैं एडजस्टमेंट पे जाता हूँ, अब इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से देखना। 50% ऑफ डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। अब डोनेशन अपने को किसके लिए बोला है? तो बिल्डिंग फंड के लिए बोला है। अब 50% आर डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। अब डोनेशन 15,000 है, अब 15,000 पहले इनकम में इनर कॉलम में लिखो, उसके बाद उसमें से 50% माइनस करो, मतलब 7,500। तो 7,500 डोनेशन से माइनस होगा, आउटर कॉलम भी 7,500 आएगा, और जो अंदर वाला 7,500 है उसका दूसरा इफेक्ट तुमको बिल्डिंग फंड में जाके ऐड करना होगा लायबिलिटी में। तो दो इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम डोनेशन और ऐड टू बिल्डिंग फंड, 7,500 7,500। मैं तुमको सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। देखो, डोनेशन से 15,000 इनर कॉलम, उसमें से 50% बिल्डिंग फंड माइनस करो 7,500, आउटर कॉलम भी 7,500 आएगा, और जो अंदर वाला 7,500 है उसका दूसरा इफेक्ट, वो 7,500 का दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में बिल्डिंग फंड में जाके ऐड करना होगा। देखो, बिल्डिंग फंड 47 दिया है, उसमें ऐड 50% डोनेशन 7,500 प्लस करके 54,500, तो इससे ये एडजस्टमेंट अपना फिनिश हो जाएगा। तो दो इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? एक तो डोनेशन से माइनस करो और दूसरा इफेक्ट बिल्डिंग फंड में जाके प्लस करो, इजी। 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, ये भी सेम, एंट्रेंस फी से माइनस करो और कैपिटल फंड में जाके प्लस करो। तो एंट्रेंस फी जो भी दिया है उसमें से 70% माइनस करो और दूसरा इफेक्ट उसका कैपिटल फंड में जाके ऐड करो। देखो, मैं तुमको बता देता हूँ। एंट्रेंस फी 1,700 दिया है, उसका 70% ढूंढो, 1,190 आएगा, वो यहाँ से माइनस होगा और दूसरा इफेक्ट 1,190 का कैपिटल फंड में जाके ऐड होगा। देखो, ऐड कैपिटल फंड 1,190, तो इससे ये एडजस्टमेंट भी अपना फिनिश हो जाएगा। थर्ड वन, सब्सक्रिप्शन 500 फॉर द ईयर 16-17 एंड 1,000 फॉर द ईयर 17-18 आर स्टिल इन अरियर्स। अब ये लास्ट ईयर का है, मतलब 16-17 और 17-18, 16-17 17-18 अपना कौन सा है? तो लास्ट ईयर है। अब लास्ट ईयर का अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है? एक तो 500 है और दूसरा कितना है? 1,000 है। तो ये दोनों अपना चार्ट सब्सक्रिप्शन में से माइनस होगा क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, 500 और 1,000। देखो, मैं तुमको शो करता हूँ। तो हाँ, सब्सक्रिप्शन अब सब्सक्रिप्शन उन्होंने 500 और 1,000 देखो असेट में आया है। 16-17 का कितना आउटस्टैंडिंग है? 500, और 17-18 का कितना है? 1,000। तो उन्होंने डायरेक्ट ढूंढ कर ही दिया है,
तो अपने को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट अपने को ढूंढ कर ही दिया है कि लास्ट ईयर का इतना आउटस्टैंडिंग है, तो एक ही इफेक्ट आता है लास्ट ईयर का। अभी वो डिफरेंस जो मैं बोलता था कि ऊपर दिया है और नीचे दिया है, तो उनका डिफरेंस जो होता है वो असेट में जाएगा, तो उन्होंने अपने को स्टिल अरियर्स मतलब डिफरेंस ही फाइंड करके दिया है। ये 16-17 का कितना है 500 और 17-18 का कितना है 1000, तो डायरेक्ट इसका एक ही इफेक्ट आएगा सीधा अपने को, ये अपने करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट में डालना होगा, ये इसका इफेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट जाता हूँ। फॉलोइंग आर द बैलेंस अपियर्ड इन द बुक्स ऑन 1st अप्रैल। अभी ये 1st अप्रैल मतलब इस समय अपने को कैपिटल फंड दिया नहीं है, तो अपने को इसकी मदद से ओल्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और कैपिटल फंड फाइंड करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग फंड लायबिलिटी में, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में, लैंड एसेट में, स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का 2500 और 4000 दिया है, ये भी एसेट में डालना होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करके जो बैलेंसिंग फिगर लायबिलिटी में आएगा वो अपना कैपिटल फंड हो जाएगा। तो देखो मैं तुमको शो कर देता हूँ, बिल्डिंग फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, दो चीज़ पहले तो लायबिलिटी में आएगा। तो देखो बिल्डिंग फंड और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जो नीचे बैलेंस शीट बनाया है वर्किंग नोट में उन्होंने, वो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए। तो बिल्डिंग फंड और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था, उसके बाद दूसरा अपने को लैंड, स्पोर्ट्स मटेरियल और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का दिया था, और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में अपन जो कैश इग्नोर करते हैं हमेशा, वो किसका होता है, लास्ट ईयर का होता है। तो अगर अपन ओल्ड बैलेंस शीट बना रहे, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना रहे, तो उसमें वो कैश डालना पड़ेगा, तो वो डालने को भूलने का नहीं। वो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का कैश बैलेंस होता है वो आएगा, जो यहाँ दिया है ना बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000, ये भी अपने को कंसीडर करना होगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर का होता है। तो अगर अपन लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना रहे, तो अपने को उसमें वो कैश डालना होगा 5000। तो देखो उन्होंने वही कैश डाला है, कितना 5000। यहाँ तुमको दिख रहा है मेरा ये शायद एरो ये पिक्चर में आ गया है, पर तुम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखना, तुमको ये कैश इन हैंड का अमाउंट 5000 दिया है। ओके, तो ये 5000 वो आ जाएगा। तो लैंड, स्पोर्ट्स मटेरियल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आया और कैश इन हैंड 5000 आया, सबको प्लस करके 191,500 आएगा। और यहाँ तुमको लायबिलिटी में दो चीज़ दिया हुआ है, वहाँ बिल्डिंग फंड और बैंक ओवरड्राफ्ट 32000। अब बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था 32000, और अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड रीपेड बोला था 32, तो पूरा का पूरा मिल गया, तो इसलिए न्यू बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। अब हैवी साइड करके तुमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। हैवी साइड करके तुमको यहाँ से कैपिटल फंड क्या मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, क्योंकि तुम ये सबको प्लस करो एसेट का मतलब नीचे बैलेंसिंग का हैवी साइड आ जाएगा, फिर 47 और 32 उससे माइनस करो तो तुमको बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, 112,500। 191,500 में से तुम दोनों को प्लस करके माइनस करोगे तो तुमको कैपिटल फंड मिल जाएगा, तो इससे अपना ओल्ड बैलेंस शीट का ये सब पोस्टिंग हो जाएगा। अब उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 8000, तो 8000 का दो इफेक्ट होगा, ऐड और असेट। सब्सक्रिप्शन में जाके ऐड करो इनकम में, और दूसरा इफेक्ट असेट में आएगा। तो देखो सब्सक्रिप्शन में जाके उन्होंने 70 में 8 ऐड किया है 78, और दूसरा इफेक्ट एसेट में डाला होगा कितना 8000, एसेट में कितना डाला होगा 8000, देखो हाँ 18-19 का देखो 8000 है, सबको मिलाकर कितना हो गया 9500 हो गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाता हूँ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अपना क्लोजिंग स्टॉक ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल 8000, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5% पर एनम। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, अब अपने को ओपनिंग स्टॉक दिया था स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना 30000, तो एक्सपेंडिचर में पूरा इसका चार्ट बनेगा, तो एक्सपेंडिचर साइड पूरा चार्ट बनेगा। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक 30000, फिर ये ऐड परचेस, ये पेमेंट साइड अपने को स्पोर्ट्स मटेरियल दिया था 50000, ये उसमें ऐड हो जाएगा एडिशनल परचेस, तो 50 और 30 मिलाकर 80 हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में कितना बोला था 8000, तो वो माइनस हो जाएगा, और ये 8000 का दूसरा इफेक्ट एसेट में जाएगा, तो 8000 का दूसरा इफेक्ट एसेट में जाएगा। हाँ स्पोर्ट्स मटेरियल 8000, तो स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट में जाएगा, तो इससे ये पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब तुमको क्या करना है, ये जो ओपनिंग का 30000 दिया है वो ओपनिंग बन जाएगा, फिर यहाँ जो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 50 दिया है वो ऐड करो तो 80, अब उसमें से तुम 8000 माइनस करो तो आउटर कॉलम 72 आएगा, और वो 8000 का दूसरा इफेक्ट असेट में चला जाएगा। अब उसके ऊपर अपने को डेप्री भी बोला था 12.5%, तो डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। अब बैलेंस शीट में स्टॉक 8000 अपने को दिख रहा है, जो है वो
अब वो 8,000 पे कितना परसेंट बोला है अपने को, 12.5% बोला है, तो उसका 12.5% ढूंढेंगे। अपने को हाँ क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000। अब स्पोर्ट्स मटेरियल पे अपने को डेप्रिसिएशन बोला था, तो उस 8,000 का 12.5%, तो 8,000 इंटू 12.5 अपॉन 100, फिर डेसिमल हटाने के लिए नीचे एक और जीरो लगाना, कैंसिल करना, तुमको 1,000 आएगा। 1,000 माइनस करके कितना आएगा, 7,000। और 1,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में।